छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे प्रमुख शहर है बिलासपुर, और हाई कोर्ट का मुख्यालय, रेलवे जोन का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में क्या है रायपुर के अलावा? और जब आप हवाई सुविधा की बात करते हैं तो हवाई सुविधा में आप ये नहीं देखते कि वहाँ कितना सवारी मिलेगा, हवाई सुविधा दूरी के हिसाब से सुविधा दी जाती है उसको, एक टैक्सी ग्रुप में इधर से उधर कर रहे, जैसे किसी बस वालों के पास खाली रहता है, यार जोर मार दो या बारात को छोड़ के आ जाओ या पिकनिक को छोड़ के आ जाओ। और इसमें हमारे सांसद का भी जो है बहुत बड़ा, मतलब एक कहना चाहिए निकम्मापन। एक घंटे की बात है, अगर वो डिक्लेयर कर दे, भोपाल डिक्लेयर किए हैं, ग्वालियर डिक्लेयर किए हैं, तो ये सिर्फ अपने के, अपना माने मध्य प्रदेश के लिए। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, विरोध, ये तमाम शब्द हैं असंतोष के, और ये शब्द हैं संतोष के भी। लोकतंत्र की एक खूबसूरत परंपरा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति सड़क पर उतरता है, अपनी बात को रखता है, शासन प्रशासन या जिम्मेदार तंत्र उस पर मनन करने के पश्चात उस पर अमल भी करता है। भारत लोकतांत्रिक देश है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक स्वस्थ लोकतंत्र भारत के अंदर शुरू से ही रहा है। आज़ादी के पहले भी हम देखते आए हैं कि कुछ ऐसे आंदोलन हैं 10-20 साल तक लगातार चले, आज़ादी के बाद भी कमोबेश यही स्थिति रही। जब हम बात छत्तीसगढ़ के करते हैं तो आज़ादी के समय एक आंदोलन हुआ था, मजदूर आंदोलन, 45 साल तक चला, और उसके नेता हुआ करते थे डॉक्टर बीवी गिरी, जो समय के साथ भारत के राष्ट्रपति भी बने। समय ने बदला और ये आंदोलन की प्रक्रिया नए नए स्वरूप में सामने आई। बिलासपुर थोड़ा सा एक अलग तासीर लिया हुआ शहर है। यहाँ की जनता बहुत सीधी सादी और बहुत भावुक है, लेकिन जब भी ये सड़क पर उतरती है तो बात मनवा के ही रहती है। बिलासपुर की बात जब चलती है तो बिलासपुर के आंदोलन में एक विशेष पक्ष नज़र आता है। यहाँ के जितने भी आंदोलन हुए हैं, कोई चेहरा नहीं रहा है, पूरा का पूरा शहर आंदोलन का चेहरा बन गया है, चाहे वो रेल आंदोलन हो अथवा NTPC आंदोलन हो या केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय खुलने को लेकर आंदोलन किया गया हो। उसी क्रम में हम जब आते हैं, इस समय पिछले 2.5 साल से या अब 3 साल के अंदर प्रवेश कर चुका है एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई चेहरा नहीं है, लेकिन बिलासपुर शहर सबसे बड़ा चेहरा सामने आता है। ये आंदोलन क्यों है, ये आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, ये आंदोलन के पीछे की सोच क्या है? दरअसल बताना लाजमी भी है कि यह आंदोलन हवाई सेवा सुविधा को लेकर किया गया। यह भी जरूरी बताना है कि बिलासपुर वह चुनिंदा शहरों में है जिसमें सबसे पहले हवाई सेवा की यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन न जाने क्यों ये पिछड़ता चला गया। शायद इन्हीं बातों को लेकर ये आंदोलन का जन्म हुआ और पिछले 3 साल से आंदोलन क्रमिक रूप से चल रहा है। अब इस आंदोलन ने एक नया रूप लिया है, अब जनप्रतिनिधियों के घर के सामने जाकर मौन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आइए इस आंदोलन के बारे में जानकारी लेते हैं आंदोलन से जुड़े हुए खास व्यक्तित्व से। सुदीप श्रीवास्तव जी बताएंगे कि ये आंदोलन जो नागरिक संघर्ष समिति कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी मांग क्या है? 3 साल तो हो गए हैं और कोर्ट भी खुल चुका है। 26 अक्टूबर 2019 को ये राघवेंद्र राव सभा भवन प्रांगण से आंदोलन प्रारंभ हुआ और अब इस बार 26 अक्टूबर को 3 साल हो जाएंगे। अलग अलग तरीके से अलग अलग चरणों में ये आंदोलन रहा है और बीच में एक बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है इस आंदोलन से कि 1 मार्च को बिलासपुर का एयरपोर्ट, बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट, 3C VFR मतलब दिन के समय 72-80 सीटर विमान उतर सके ऐसे एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और एक फ्लाइट वर्तमान में चल रही है जो दिल्ली और प्रयागराज जबलपुर होते हुए जा रही है। ये जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इस आंदोलन की बुनियाद में क्या है, इसकी बुनियाद में यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे प्रमुख शहर है बिलासपुर, और हाई कोर्ट का मुख्यालय, रेलवे जोन का मुख्यालय, कोल इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई वाली कंपनी का मुख्यालय, हजारों करोड़ का राजस्व यहाँ से जाता है,
सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आप ये भी देखिए कि तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल से 8000 वर्ग किलोमीटर कम है। अच्छा, 135000 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ है और 127000 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 6 बड़े हवाई अड्डे हैं जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है, रायपुर के अलावा। और जब आप हवाई सुविधा की बात करते हैं तो हवाई सुविधा में आप ये नहीं देखते कि वहाँ कितना सवारी मिलेगा, हवाई सुविधा दूरी के हिसाब से सुविधा दी जाती है। अगर सवारी के हिसाब से सुविधा देने लगे तो उत्तर पूर्वी राज्यों में तो एक भी हवाई अड्डा नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ सवारी नहीं रहता। लेकिन आइजल में भी है, मणिपुर में भी मिलेगा आपको, नागालैंड में भी मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा बड़ा हवाई अड्डा। तो हवाई सुविधा एक बुनियादी ज़रूरत है आज के समय में, और अब मध्यम वर्गीय लोग भी हवाई सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ 1988 में एक चलायमान हवाई अड्डा था जो NTPC के कारण उसका लाइसेंस खत्म किया गया और जो रनवे था पूरब से पश्चिम वाला, वो रनवे के 21वें किलोमीटर में NTPC की चिमनी आनी थी। तो हम लोगों को NTPC दिया गया, कचरा और धूल दिया गया और रायपुर को नया बड़ा एयरपोर्ट दिया गया। इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ राज्य की 2000 में शुरुआत हुई। 2010 तक आते आते जब बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग फिर जोर होने लगी, पब्लिक चर्चा करने लगी, तो फिर एक झुंझुना दिया गया कि अब ये जमीन पूरी सेना को दे देते हैं, सेना छावनी भी बनाएगी, सेना हवाई अड्डा भी बनाएगी और सेना का हवाई अड्डे से आपको सुविधा मिलेगी। देश में बहुत जगह सेना के, एयरफोर्स के हवाई अड्डे हैं और वो 24 घंटे में 7-8 घंटे पब्लिक के लिए खुले रहते हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि चलो कुछ नहीं तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, लो सेना ही बना ले। लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा हो, हाँ 10 घंटे भी अगर चलेगा, 8 घंटे भी चलेगा तो एयर सुविधा मिलेगी। 10 साल में सेना को 1100 एकड़ जमीन देने के बाद भी नतीजा जीरो है। जब ये नतीजा जीरो रहा तब 2019 में फिर से इस आंदोलन को खड़ा किया गया। और जो जन समर्थन है वो इसीलिए है क्योंकि जन जन की आवाज़ है। आपको तो इस आंदोलन को नागरिक संघर्ष समिति ही है, और हमने कवर भी किया है लगातार कि सभी, लगभग कोई भी ऐसा जिले का संगठन नहीं है, इवन संभाग का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो आपको समर्थन नहीं दिया है, कुछ हासिल भी हुआ है। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है, देखिए इस राज्य से, छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से अगर हम जाना चाहें तो कम से कम चारों दिशाओं में एक एक महानगर तक तो सीधी उड़ान चाहिए। कि अगर आपको दक्षिण में किसी शहर जाना है तो अगर आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं तो हैदराबाद से हर जगह फ्लाइट है। अगर आपको पूरब कहीं जाना है और आप कलकत्ता पहुंच जाते हैं तो हर जगह फ्लाइट है। उत्तर में दिल्ली पहुंच जाइए, पश्चिम में बम्बई पहुंच जाइए, तो फिर चाहे राजकोट जाना हो, भरूच जाना हो, गोवा जाना हो, आप सब जगह पहुंच जाएंगे। तो कम से कम 4 फ्लाइट चारों दिशा के एक एक महानगर तो बुनियादी जरूरत है। और घाटा भी नहीं है? घाटा बिल्कुल नहीं है। जो आंकड़े हैं DGCA के, उसके हिसाब से 1000 आदमी रायपुर से दिल्ली जा रहा है पर डे 1000 आदमी, 450 आदमी बॉम्बे जा रहा है। अगर इसका 25% भी आप लोगे कि बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर के लोग हैं, 25% केवल, लोग तो 40 तक बोलते हैं, तब भी आपका एक 80 सीटर प्लेन पूरा भर के जाएगा। कल ही मैंने बात की बीरेन सिंह से जो यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा आज फ्लाइट में 71 का लोड है, 72 सीट है, 71 का लोड है। तो अब आप बताइए कि इतनी गर्मी में सुविधा है नहीं एयरपोर्ट पे ढंग से, किराया बढ़ा हुआ है एक सिंगल फ्लाइट होने के बाद, उसके बाद इतने लोग जा रहे हैं। अभी ये सुदीप जी ये भी जानना चाहते हैं कि पहले तो एक आंदोलन का स्थान हुआ करता था, अब आप लोगों को मोबाइल आंदोलन चल रहा है कि किसी जनप्रतिनिधि के सामने बैठ जाते हैं। संसदीय सचिव है, माना कि ये राज्य सरकार में बहुत अच्छे स्थान पर है, यहाँ से आपको क्या समर्थन मिलता है? देखिए आंदोलन का एक स्थान तय है जो राघवेंद्र राव सभा भवन है। मौन धरना जो हम जनप्रतिनिधियों के सामने कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये भले हमारे समर्थन में हैं, बयान भी दिए हैं, पहले भी प्रयास किए हैं, लेकिन काम की व्यस्तता में ये और कामों के सामने अगर इस काम को भूल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है याद दिलाना, प्रायोरिटी मिले। और छत्तीसगढ़ शासन का एयरपोर्ट है, नाइट लैंडिंग का काम
नई टर्मिनल बिल्डिंग का काम और जो बाहर में जो सुविधाएं हैं उनका काम और सबसे बड़ा जमीन वापसी सेना से, ये चारों काम राज्य शासन को करने हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने एक पत्र भी लिखा है और लगभग कहा जा रहा है कि वो सेना जमीन देने को तैयार है, तो अड़चन कहाँ आ रही है? मुख्यमंत्री बोलते हैं कमिटेड हैं और हमको भी लगता है वो कमिटेड हैं एयरपोर्ट के विकास के लिए, लेकिन सेना के हिस्से में जो 1100 एकड़ जमीन है उसमें से कम 270 वापस चाहिए। या तो उसके बदले में जमीन के बदले जमीन का पैसा हो या जमीन कहीं और दे दी जाए। और मैं तो ये भी मांग करता हूँ कि सेना ने अगर 10 साल में उस जमीन का उपयोग नहीं किया तो नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से अधिग्रहण लैप्स होना चाहिए। बात तो अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हमारे शहर के कांग्रेस नेता वाजपेयी जी बताएंगे कुछ कि आप लोग यहाँ सड़क पर धरना प्रदर्शन पर क्यों हैं। जैसा कि आपको सुदीप श्रीवास्तव जी ने बताया कि यह धरना पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। अब यह धरना शनिवार और इतवार उसके निश्चित स्थान राघवेंद्र सभा भवन में चलता है, पर समिति ने यह तय किया कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी पार्टी से हों उनके घर में मौन धरना दिया जाएगा ताकि उन्हें हम जागृत करें और याद दिलाते रहें कि आप इस कार्य में लग जाएं, जो छत्तीसगढ़ शासन की भूमिका है। जैसे आदरणीय डॉक्टर रश्मि सिंह जी जो संसदीय सचिव हैं उस छत्तीसगढ़ में जो कार्य शासन कर सकता है उसको वो देखें। इसी प्रकार इसके पहले सांसद महोदय के यहाँ धरना हुआ अरुण साव जी की जो दिल्ली की प्रक्रिया है, जो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ना थोपें, जो उस लेवल पे है केंद्र शासन का वो कार्य आप देखें। तो ये धरना इस तरीके से जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं हो पाएंगी ये धरना इस तरीके से अनावाज चलता रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश दुबे भी हमारे साथ हैं और बड़े तेज कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं। अच्छा, पहले ही कहा जा चुका है कि नागरिक संघर्ष समिति का आंदोलन है लेकिन किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता आने का अर्थ है कि आप अपने ही विधायक का घेराव कर रहे हैं। बहुत तेज तर्रार महेश दुबे जी बताएंगे कि आंदोलन, अभी आपने अरुण साहु के घर का घेराव किया, संसदीय सचिव के घर का घेराव किया, राज्य सरकार क्या कर रही है? निश्चित रूप से यदि हम देखेंगे लोकतांत्रिक परंपरा के तहत यदि जो आंदोलन होते रहे हैं उसमें आंदोलन अपने आप में एक बिरला आंदोलन है। इस आंदोलन के महत्व को और सिद्धि को आप यदि देखना चाहेंगे, प्रसिद्धि को, तो आप देखेंगे जिनके निवास स्थान पर हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं वो खुद हमारे साथ आंदोलन में बैठी हुई हैं और हमारे लिए वो आतुर हैं स्वागत सत्कार के लिए। सामने उन्होंने अच्छी व्यवस्था भी की, पर हमारी अपनी परंपरा भी है कि जब हम धरना देने आए तो धरना ही देंगे। छत्तीसगढ़ में धरने का मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ यह लोग जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, है ना। दूसरी बात है कि राज्य सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार निश्चित रूप से जिस बड़े दिल से काम करना चाहिए नहीं कर पा रही, इसलिए तो हमको संसदीय सचिव सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा। दूसरी बात हवाई सेवा को लेकर है कि हवाई उड़ान कहाँ से प्रारंभ हो कैसे हो, इसके लिए जवाबदारी केंद्र में बैठी सरकार है। तो हमारा यह जो आंदोलन चल रहा है सर्वदलीय आंदोलन है, सारे लोग का इसमें समावेश है और अच्छी बात है कि बे आंदोलन से एयरपोर्ट या हवाई सुविधा को लेकर नहीं, बिलासपुर के मान स्वाभिमान को लेकर है। इसलिए सारे लोग इसमें तन मन धन से जुड़े हुए हैं, बिलासादाई एयरपोर्ट का समग्र विकास हो इस उद्देश्य को लेकर मैं धरना प्रदर्शन में बैठे हूँ। आगे भी अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ भी धरना प्रदर्शन। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उनका साफ कहना है राज्य सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आप बैठे हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान में कुछ आपको लगता है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराजा हैं और वो इस बात को सिद्ध कर दिए हैं जो 5 तारीख से हमारा बिलासपुर से जो भोपाल के लिए एयर हवाई सुविधा चालू हुई है वो बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नहीं कांग्रेस की सरकार है और वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए वो कहीं नहीं चाहते कि कांग्रेस को कहीं इसका फायदा मिले। आप देखिए कि उस उड़ान का भी उद्घाटन करने को वो व्यक्ति तैयार नहीं है, तो उससे मैं क्या बात करूँ, तो हमारे मुख्यमंत्री क्या बात करेंगे। विश्वम्भर गुलहरे जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और जनसंघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बगल में बैठे हैं और जमीन पर बिल्कुल हाथ में पोस्टर भी दिखा दीजिए कि कुछ लिखा हुआ है। गुलहरे जी, आपको भोपाल की फ्लाइट मिल गई, अब नाराजगी किस बात की? देखिए, जो भोपाल की फ्लाइट है वो झुंझुना है। जो हम 4 महानगरों की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
भाई सुदीप श्रीवास्तव ने विस्तार से बताया पूरे आंकड़े सहित, मैं उनको बधाई देता हूँ। इस जन आंदोलन के वो सूत्रधार हैं, आपने कहा ना वैसे हमारे यहाँ बिलासपुर के आंदोलन में सूत्रधार हो सकता है, चेहरा तो बिलासपुर होता है। नहीं नहीं, चेहरा बिलासपुर है, बिलासपुर के लोग हैं, बिलासपुर के नागरिक हैं, पर किसी भी कार्यक्रम के लिए एक सूत्रधार का होना आवश्यक रहता है, वो सूत्रधार सुदीप श्रीवास्तव जी है और जो बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन कर रहे। और हमको इस बात की बड़ी खुशी है कि ये आंदोलन बड़े लंबे रूप से चला और आगे भी हर आंदोलन के लिए एक हमको एक रास्ता मिलता चला जा रहा है। हवाई सुविधा हमको पूरी मिल जाएगी, हमको मालूम है। ये पूरी क्या है? पूरी मतलब जो हम मांग कर रहे हैं, चार महानगरों में हमारी हवाई सुविधा होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। हमको खाली जो अभी बताया ना उन्होंने, बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे भी नहीं मालूम था, कि 3 घंटे उनके पास जो खाली समय है उसको एक टैक्सी ग्रुप में इधर से उधर कर रहे, जैसे किसी बस वालों के पास खाली रहता है, अरे यार जोर मार दो या बारात को छोड़ के आ जाओ या पिकनिक को छोड़ के आ जाओ। तो ये बिलासपुर को इस प्रकार के छलावा ना दिया जाए, बिलासपुर की जनता के साथ मजाक ना किया जाए। बिलासपुर ने निस्संदेह हर चीज़ को लड़के लिया, इसमें कोई दो मत नहीं। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी से जुड़ना है, उसको शासन केंद्रीय सरकार को पूरा करना ही होगा। नहीं, केंद्र सरकार तो छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करता आया है और यहाँ पर कांग्रेस का शासन है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेसी इनका को श्रेय मिले, वो तो हर तरीके से अड़ंगा लगाएंगे ही। अभी हम लोग सांसद के यहाँ गए थे पिछली बार, उनके घर के सामने धरना दिए, आप भी होंगे आपको ही मालूम होगा, सांसद महोदय गायब हो गए। आज हम एक कांग्रेस विधायक के घर के, तो विधायक खुद ही बैठ गए, वही बताने जा रहा हूँ कि कांग्रेस विधायक के घर के सामने उन्होंने बैठे हैं, कांग्रेस विधायिका और जो अभी वर्तमान में पद में है संसदीय सचिव हैं, और भाई हमारे आशीष सिंह भी हैं। तो आशीष सिंह कहीं बैठे हैं, वो बहुत ज़रूरी मीटिंग में गई, नहीं तो बैठती, उनको बहुत ज़रूरी मीटिंग में बुलाया गया, नहीं तो वो जा नहीं रही थी। 10 बार फोन आया कि वो फिर गई है, इसका मतलब ये रहता है कि वो खुद चाहती हैं। हम लोग किसी व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पद का विरोध कर रहे हैं जो पद में भी रहते हुए निष्क्रिय है, जो पद में भी रहते हुए इस आंदोलन की भूमिका में अपनी योगदान नहीं दे रहे हैं, उनको हम लोग जगाना चाह रहे हैं, जो संसद में भी सो रहे हैं बाहर में भी सो रहे हैं, उनके लिए आंदोलन है। धन्यवाद। एक कविता है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के लौह भस्म हो जाए। बिलासपुर के साथ ये एक दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है कि बिलासपुर की जनता बड़ी सीधी सादी है, अपनी मांग रखती है, गांधीगिरी से मांग रखती है, लेकिन जब आपे पे आ जाती है तो रेल आंदोलन जोन आंदोलन की याद आती है। उसके गवाह है वरिष्ठ कांग्रेस नेता आशीष सिंह, बताएंगे कि क्या वो स्थिति बन रही है कि आप जनसंघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं कि रेल जोन आंदोलन की पुनरावृत्ति हो? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगे हुए हैं कि इसमें बहुत जल्दी सब सुविधा हो करके, आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोनिक चर्चा भी हुई है जी। उनका कहना है कि जल्दी जल्दी हम प्रयास करेंगे कि जो भी उनकी मांगे हैं उसको पूरी की जाए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो धरना प्रदर्शन जितने हमारे साथी कर रहे हैं उनको एक सुखद अनुभव होगा कि जो उनकी मांगे हो जल्दी पूरी कर दी जाए। आज विधायक विधायिका जी का घेराव किया गया है और विधायिका जी खुद यहाँ बैठ गई, तो क्या ये कैसी परंपरा है भाई कि जिसको घेरने आया है वो खुद यहाँ बैठ गई हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये जन मांग है पूरे बिलासपुर के। आप ही ने कहा कि ऐसे शायद ही कोई संगठन हो पूरे संभाग में जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया हो। ये एक अच्छी पहल है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जनप्रतिनिधि के पास समय का बहुत अभाव रहता है। तो ये एक प्रेशर बनाने के लिए कि प्लीज़ जो आप अपना काम कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 साल का बहुत लंबा समय होता है और 3 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, और आप सोचो अपना काम धाम छोड़ के लोग बैठे रहते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है कि बिना किसी सुविधा के लोग अपने आके सब बैठे रहते हैं। तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रेशर है कि आप अपना काम कीजिए, लेकिन जो ये जो संघर्ष जो चला 3 साल का लंबा समय, इसमें अब थोड़ा सा विशेष रुचि लें ताकि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो सके। आशीष सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं ऐसे हमारी स्टेट में क्या कमी है, हम संसाधनों से भरे हुए हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं। तो अभी सुदीप श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि तमिलनाडु, आइजोल, मणिपुर, इम्फाल, इन सब क्षेत्रों में इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनने की तैयारी है या है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर रायपुर, बिलासपुर राजधानी जोन भी यहाँ, LTPC भी यहाँ, बावजूद इसके हमें ये सुविधा नहीं मिल रही है और आप लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने दिनों से ये नहीं हो पाया, लेकिन
जब सेना ने जब इसको 1100 एकड़ जब भूमि लिए थे तो लोगों की आशा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ हवाई सुविधा शुरू होगा, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो अब मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी सारी सुविधाएं एयरपोर्ट में मिलेंगी। बहुत उम्मीदें हैं और लग भी रहा है कि सारी सुविधाएं जल्दी मिलने वाली है। अब आप बात करते हैं सुनील शुक्ला से, बताएंगे कि ये आंदोलन कब तक चलेगा? अब ये आंदोलन चूँकि ये इस आंदोलन में बिलासपुर शहर के और आसपास के अंचल के सारे संगठन और जन भावना जुड़ी हुई है, तो जब तक इस हवाई सेवा की मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक ये आंदोलन क्रमशः अलग अलग रूप में चलता रहेगा। हमारे बीच में हाई कोर्ट न्यायधानी के उप महाधिवक्ता भी बैठे हुए हैं संदीप दुबे, बहुत सक्रिय है हवाई सेवा को लेकर, इन्होंने बहुत काम किया है। अड़चने कहाँ आ रही हैं वकील साहब? अड़चने जो है एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, ये सिर्फ बिलासपुर की मांग नहीं है, आधे छत्तीसगढ़ की मांग है। इवन जो है उच्च न्यायालय में जो हमारी याचिका चल रही है उस याचिका में हाईकोर्ट ने कहा है कि यह एडवर्सरी लिटिगेशन नहीं है, मतलब दोनों पक्ष के किसी विरोध का याचिका नहीं है, ये जनहित का है और ये बहुत ही आवश्यकता है। आप देखेंगे कि कोयले का अभी जो है इतना बड़ा देश में संकट आया और कोयले के कारण जो है यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, ये किस कारण से है? क्योंकि राष्ट्रीय संकट है। उस राष्ट्रीय संकट में बिलासपुर एरिया, बिलासपुर क्षेत्र, बिलासपुर संभाग जिस प्रकार से साथ दे रहा है, इनको मैं बता सकता हूँ कि 1 घंटे में डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट। उड़ान 4 में इनको सब्सिडी देना है बिलासपुर, और बिलासपुर में 4 फ्लाइट आज के आज आधे घंटे में डिक्लेयर कर सकते हैं। ये केंद्र कर सकती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी कर सकती है। अब वो राजनीतिक परिणामों के हिसाब से, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें हमारे सांसद का भी जो है बहुत बड़ा, मतलब एक कहना चाहिए निकम्मापन है, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रही बात राज्य की, तो मैं समझता हूँ कि राज्य पूरा हमेशा तैयार है, लेकिन टेक्निकल जो बातें हैं वो AII को करना है, DGCA को करना है, वो टेक्निकल वो रोक दे रहे हैं, उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और हम लोग हाईकोर्ट से निवेदन करें, जल्दी हमारा केस फिर से लगने वाला है। अभी तो आपके सरकार को एक प्रकार से चुनौती दे दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कि सरकार ही सहयोग नहीं कर रही है। सरकार पूरा सहयोग कर रही है, कुछ मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ IAS अफसर का भी अफसरशाही है जिसके कारण नोट शीट चलाने में देर कर रहे हैं या फिर फॉर्मेट में नहीं दे रहे। हाईकोर्ट मंत्री जी को पता नहीं है, नागरिक उड्डयन मंत्री को छत्तीसगढ़ के नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्री को पता नहीं है कि सीधे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं नहीं, राज्य सरकार का इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि देखो AIE को करना है, DGCA को करना है, जितना टेक्निकल बात है। जब यहाँ की पारी तब आएगी जब राज्य सरकार पैसा नहीं देगी, और राज्य सरकार पैसा दे रही है और उसके बाद भी ये जो पैसा रिएम्बर्स हो जाएगा, सेंट्रल बाद में राज्य को वापस करेगी पैसा। तो सिर्फ जो है मैं समझता हूँ कि 1 घंटे की बात है, अगर वो डिक्लेयर कर दे, भोपाल डिक्लेयर किए हैं, ग्वालियर डिक्लेयर किए हैं, तो ये सिर्फ अपने के अपना माने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ तो उसमें एक एड किया गया है, छत्तीसगढ़ को कोई विशेष लाभ भोपाल से नहीं होने वाला। आपको क्यों लगता है कि सांसद निकम्मापन है का शिकार है? सांसद ने, मैं जो समझता हूँ कि एक भय है, अगर हम दबंगता से कोई चीज़ मांगेंगे तो हमारा टिकट ना कट जाए, ऐसा लगता है मेरे को। और उनको मांगना चाहिए, अगर ऐसा निकम्मा सांसद अगर इस प्रकार से डर के मारे कि अगला टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस कैलकुलेशन में लगा है, तो विकास क्या करेगा? वो चुनाव ही इस बल पे जीता है कि मैं हवाई सेवा उपलब्ध कराऊंगा, सारी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। और आपको मालूम होगा कि 3C का भी जो हुआ है वो 3C हाईकोर्ट और जन आंदोलन के कारण हुआ है, सांसद के कारण नहीं हुआ है। समीर अहमद जी बताएंगे कि आपकी सक्रियता तो 3 साल से लगातार बनी हुई है, कुछ आपको अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है? निश्चित ही हमारे धरने का लगभग 2.5 साल कंप्लीट हो रहा है, 26 अक्टूबर 2019 की जैसे शुरू हुआ था, आज 22 मई है, तो 2.5 साल में लगभग 300 संगठनों ने जिस तरीके से हमको आकर समर्थन दिया है, निश्चित ही हवाई सुविधा संघर्ष समिति का ही सफलता है, जो पिछले 1 मार्च के जो यहाँ से प्रयागराज जो दिल्ली की उड़ान उड़ी है, और 5 तारीख के जो भोपाल की हवाई सुविधा शुरू हो रही है, ये हमारी सफलता का राज ही है। ये सब लोगों ने शहर में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, शहर के विभिन्न संगठनों ने लिया, हमारे प्रयासों से निश्चित सफलताएँ मिल रही है। देवेंद्र सिंह बाटू बहुत सक्रिय व्यक्तित्व हैं, ना केवल
नागरिक संघर्ष समिति से बल्कि इनके समाज सेवा के क्षेत्र में भी है और क्रिकेट के बड़े अच्छे पदाधिकारी हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। देवेंद्र जी, हम जानते हैं, जानना चाहते हैं, भोपाल से खुश नहीं हैं आप? भोपाल से भी अब एक चीज़ बताइए, बिलासपुर से भोपाल जोड़ने से बनिस्बत हमको दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद या हमारे बच्चा कहीं पढ़ने जाएगा, हमको इलाज के लिए जाना है तो कोई भोपाल तो जाएगा नहीं भैया, वकील वाला बुलाना है तो दिल्ली से आएगा। नहीं तो क्या वजह है कि आप कहाँ कहाँ के फ्लाइट चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो महानगरों में पढ़ने जाते हैं, चाहे बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, पढ़ने जाते हैं। हमारे जो मान लीजिए हमारे घर में यदि किसी प्रकार किसी को बीमारी होती है तो उसको इलाज के लिए जाना है, दिल्ली जाएगा वो, वेदांता अस्पताल जाएगा, दिल्ली जाएगा, हैदराबाद जाएगा, ऐसी जगह की फ्लाइट चाहिए हम लोगों को। संसदीय सचिव जी अभी यहाँ बैठी थी, उन्होंने कुछ कहा इस पर? संसदीय सचिव जी ने हमारा, हम लोगों ने उनके घर के सामने धरना दिया, उन्होंने हम लोगों को पूरा सम्मान दिया, खुद आकर के वो धरने में बैठी और वो बोली कि मैं आप लोग के धरने पूर्णतः सहमत हूँ, आपके साथ हूँ। हमारे सामने ही उन्होंने ताम्रदास, माननीय ताम्रदास साहू जी से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग जो भी मांग करेंगे मैं उसे पूरा कराने की पूरी कोशिश करूँ। हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने आज प्रदेश सरकार की संसदीय सचिव तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह के निवास के सामने मौन धरना प्रदर्शन शुरू किया है और रश्मि आशीष सिंह धरना प्रदर्शन स्थल पहुंची हैं, बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है आपके? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत साधुवाद देती हूं महाधरना आयोजन समिति को, जो सच्चे बिलासपुरिया होने का प्रमाण है कि वो बिलासपुर की आम जनता के लाभ के लिए लगातार इस तरह से धरना करके, और चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसे अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं और उसे जल्दी पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी लोग, बिलासपुर की जनता है ये? वर्तमान में जो मांग है इनकी कि सेना से जमीन वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि जब सेना जमीन वापस देगी तब रनवे का विस्तार होगा, तब नाइट लैंडिंग की सुविधा हो पाएगी, तब बड़े जहाज यहाँ उतर पाएंगे। और मैं भी बिलासपुर की यहीं जन्मी हुई हूं, तो मैं भी इस मांग का समर्थन करती हूं। आप बिलासपुर की बेटी हैं और बिलासपुर की बहू भी हैं और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश सरकार के मंत्री पद के ओहदे पर हैं, संसदीय सचिव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी बातों को कैसे रखेंगे, क्योंकि ये दो साल से ढाई साल से लगातार रख ही रहे हैं। जैसा अभी चर्चा में बता रहे थे कि हाईकोर्ट के आदेश से जो निर्माण कार्य हुए थे उसमें कोई जांच वगैरह हो गई, जिसके कारण अब PWD मिले हुए पैसे से जो काम है उसको बिना स्पष्ट निर्देश के नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने माननीय PWD मंत्री जी से चर्चा की थी कि कम से कम आम जनता के लिए एक बैठने की जगह, उनके लिए एक कैंटीन और टैक्सी वालों के लिए एक स्टैंड और इस तरह की व्यवस्था, जो बहुत प्राथमिक आवश्यकता है कि वहाँ जो हवाई जहाज़ से उतरते हैं वो अपनी ट्रॉली बैग को घसीटते हुए चकरभाटा बस्ती तक आते हैं, तो ये तो बहुत मूलभूत और ज़रूरी समस्या है, क्योंकि जो एक बार इस तरह से ट्रैवल कर लेगा वो अगली बार कान पकड़ेगा कि चकरभाटा एयरपोर्ट नहीं जाना है, तो इस तरह से फिर वो सेवा पता नहीं आगे जारी रह पाएगी या नहीं। तो मैं आप ये इस बात से इनकी सहमत हूँ और पहले मैं बिलासपुरिया हूँ बार बार कहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि मैं हर बार इन लोगों से कहती हूँ, एक बार इन लोगों ने 27 तारीख निर्धारित की थी, शायद जनवरी की थी वो, है ना, 27 तारीख को दिल्ली जाएंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि जब आप जहाँ जा रहे हैं, मैं आम नागरिक हूँ, मैं भी आपके साथ आंदोलन के परिपेक्ष में जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जरूर जाना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा अभियान शुरू हुआ था और ये अभियान अब परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बैठे हुए नागरिक संघर्ष समिति के सदस्यों ने बोला, ये तो हमारा अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे, बिलासपुर की तासीर है कि संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। शासन को ये समझना होगा कि रेलवे जोन आंदोलन भी बिलासपुर में हुआ था। भास्कर मिश्र, सीजीवाल, बिलासपुर।